हुजूर, अवाम के कुछ नुमाइंदे आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। आप दोनों की वजह से आज आवाम खुशहाल है, अच्छे दिन देख रहे हैं। ईश्वर करे आपको इसका फल अवश्य मिले। खुदा आपकी उन हसरतों को पूरा करे जो आपके दिल में है शहंशाह। आमीन। सुनवा आमीन। जो बेगम हमारे करीब आई। क्या? या फिर आपने सुना नहीं, या फिर आप चाहती हैं कि हम सबके सामने ऊंची आवाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कि आज रात हमें हमारे होने वाले बच्चे के बारे में मसलत करनी। यही कहने के लिए आपने हमें समीप बुलाया था? बेशक, यह मसला बहुत संजीदा है, इसलिए हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जो था बेगम, देखिए आपको दुपट्टा भी चाहता है कि हम शरारत करें। कब से आपको ढूंढ रहे हैं? हम बता नहीं सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं और हम अपनी खुशी आपके साथ बांटने आए। आपके पास तो कई लोग हैं शहंशाह, अपनी प्रसन्नता बांटने के लिए। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या आप किसी बात पर खफा हैं हमसे? स्पर्श मत कीजिए हमें। खुदा के लिए बता दीजिए जोधा बेगम, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस हम बहुत थके हुए हैं और सोना चाहते हैं। बता भी दीजिए कि बात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस बात से नाखुश हैं कि आपने हमें और रुकैया बेगम को एक दूसरे के करीब देख लिया है?
अब खुश नहीं है क्योंकि हम वालिद बनने जा रहे हैं जोधा बेगम। आप शहंशाह हैं, आपसे कोई रुष्ट कैसे हो सकता है भला? और ये तो आपका अधिकार है कि आप अनगिनत पत्नियां रख सकते हैं। फिरुकया बेगम तो आपकी सबसे पहली पत्नी है, आपकी सबसे अच्छी मित्र और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। आपको उनके साथ देखकर भला हमें बुरा क्यों लगेगा? सच कहें तो जोधा बेगम, हमें तो याद भी नहीं है कि कब हम और रुकया बेगम, हमें तो एक अरसा हो गया है उनसे बात किए हुए, लेकिन जब आप आगरा छोड़कर चली गई थी तब हम बहुत परेशान थे। हम रुकया बेगम के पास गए और बस, हमें अब कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सुनना है। हम जानते हैं कि आपकी कई सारी बेगमें हैं और सबके पास जाना आपका कर्तव्य है, परंतु हम अपने मन का क्या करें शहंशाह? कैसे समझाएं हम अपने आप को कि आप पर केवल हमारा अधिकार नहीं है? बाहर से भले ही हम चुप रहे, कुछ न कहे, मुस्कुराते रहे, परंतु भीतर ही भीतर आपको किसी और के साथ बढ़ता देख हमें अच्छा नहीं लगता है। कैसे मन से स्वीकार करें? यदि पति शहंशाह हो तो पत्नी को उसे बांटना ही होगा, क्योंकि ये पतियों का अधिकार है और पत्नियों का कर्तव्य कि वह सब कुछ चुप होकर सहती रहे। एक स्त्री से यही अपेक्षा रखी जाती है ना, कि वो किसी पर पुरुष को देखे भी नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है, यदि वो उसके बारे में विचार भी करती है तो उसे अधर्म समझा जाता है, परंतु पुरुष वो जो करे सब ठीक सब उचित। आप जितनी चाहे बेगमें रख सकते हैं, और स्त्री का कर्तव्य है कि वो यह सोचकर अपने भाग्य को सराहे कि कम से कम शहंशाह ने उसे अपनी बेगम होने का मान तो दिया। हमसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि जब आप हमारे कक्ष में आए तो आपको प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करें। बल्कि हम ये तक नहीं जानते कि कब तक हम आपके सर का मुकुट बने रहेंगे, कब आपकी दृष्टि से गिर जाएंगे। बस ये सोचकर प्रसन्न रहना है कि जितना भी जब तक पति का साथ मिले स्वयं को भाग्यशाली समझना है। खुद को बाकी सबसे शुमार कैसे कर सकती हैं जोधा बेगम? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे बचपन की दोस्त से, हमारे होने वाले बच्चे की माँ से रश करेंगी। हाँ हम शहंशाह, हाँ हमारी सैकड़ों बेगमें हैं, किसी से हमने निकाह किया तो कोई जंग में फतेह के नजराने में हमें मिली, तो किसी को हमने अपनाया उसे सहारा देने के लिए, जब मन किया तो उन्हें अपने पास बुला लिया, जब मन किया तो उन्हें खुद से दूर कर दिया, क्योंकि यह सब हुआ आपके आने से पहले जोधा बेगम, क्योंकि आपके आने से पहले हम सिर्फ एक संगदिल सिपाही, एक खूंखार सिपाही थे, एक मगरूर शहंशाह, एक बेखौफ मर्द थे जोधा बेगम, जिसने अपने सारे हक जिए। अगर नहीं थे तो सिर्फ एक इंसान, क्योंकि हर इंसान किसी ने में खुदा ने एक दिल दिया है जो हमारे पास नहीं था जोधा बेगम। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे सीने में दिल भी है, वो आप ही हैं जोधा बेगम, जिसने हमारे अंदर सोए हुए दिल को जगाया, वो आप ही हैं जोधा बेगम, जिसने हमारे अंदर एक नेक दिल इंसान को जिंदा किया। जोधा बेगम हमारी हजारों बेगम आते हैं, हजारों के नीचे हैं जो हमारे सपने देखती हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं है जो हमारी आंखों में बसे सपने को देख पाए, वो सब हमसे खौफ खाती हैं जोधा बेगम। जोधा बेगम उनमें से एक भी नहीं है जिसकी तकलीफ से हमें तकलीफ हो, जिसकी तकलीफ को हम अपने अंदर जज कर सके, जिसे हम हर पल मुस्कुराता हुआ देखना चाहें। कोई नहीं है सिवाय आपके। हाँ हम शहंशाह हैं, पर हमारा हक है कि हमारे हरम में हजारों बेगम आत रहे, पर हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सबको उनका हक दें। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है जोधा बेगम जिसका नाम हमारे दिल में हो, क्योंकि वो आप ही हैं जो हमारी बंद आंखों में बसे सपने को जान पाए, वो आप ही हैं जिसे ढूंढने के लिए हमने सुल्तान की खाक छान मारी है, वो आप ही हैं जोधा बेगम जिसकी ओर हम खींचे हुए चले आते हैं, वो आप ही हैं जिसके अंदर इतना ताप है जो हमें धक्का मार सकती है। जानती है क्यों? क्योंकि आपके पास जलालुद्दीन मोहम्मद का दिल है जोधा बेगम, क्योंकि आप हमारे तख्त और ताज से नहीं, आप हमारी रूह और हमारी सांसों से जुड़ी हुई हैं जोधा बेगम। हो सकता है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत बेगम ना हो,
लेकिन वो आप ही हैं जिसके साथ हम जीना चाहेंगे, जिसके लिए हम जीना चाहेंगे जोधा बेगम। आपके काना की भी तो 16,000 रानियां थी और उन्होंने उन सब के लिए अपने फर्ज निभाए, इसके बावजूद उनके दिल में सिर्फ एक ही थी और वो थी राधा जोधा बेगम। इसलिए हर मंदिर हर मूर्त में वो 16,000 रानियां नहीं, उनके साथ कोई दिखता है तो सिर्फ राधा। जोधा बेगम एक शहंशाह, एक राजा के कुछ फर्ज होते हैं जो उसे निभाने होते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपनी मोहब्बत को भी जगा देता है। जोधा बेगम, जोधा बेगम, आने वाली तारीख में ये सब फिर से दोहराया जाएगा। जब भी हमारा नाम लिया जाएगा तो हमारे नाम के साथ जुड़ा होगा आपका नाम। लोग भले ही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को ना जाने, लेकिन हम जोधा के जलाल के नाम से जरूर जाने जाएंगे।